चले जाओ, चले जाओ, शैतान के बच्चे, चले जाओ। पकड़ो इन्हें। चले जाओ। शांत हो जाओ आंटी, शांत हो जाओ। वो मुझे मार डालेगा। घबराओ मत। मुझे मार डालेगा। आपको किसने मारा है आंटी? शैतान का बच्चा मुझे मार डालेगा। मोडिस, ये मर चुकी है। ये क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, वो उसका भ्रम था। नहीं, उसने कहा था कि उसे मार डाला है। तुम कहना क्या चाहते हो? मिस्टर मिरोनो, डॉक्टर, आप लोगों ने भी तो अभी सुना ना, मेरी आंटी ने मरते वक्त क्या कहा, उसके आप लोग गवाह हैं। शांत हो जाइए शुमस्की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर से निकल जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, तैयार रहो, मैं आ रही हूं। स्टॉलमैन, मेरी आंटी की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, वो बहुत ही खौफनाक थी। क्या आप मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? उनकी हत्या हुई है। तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? मुझे लगता है ये श्राप था, या फिर कुछ इसी तरह का था। एक श्राप? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको पता होना चाहिए कि कानून ऐसी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। सच में? मरते समय उसने चिल्ला कर कहा था कि उसकी हत्या हुई है। आपने अभी खुद कहा कि वो काफी बीमार थी और उनकी याददाश्त कमजोर थी, तो ऐसी हालत में हम आपकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं वकील के पास जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। मुझे पता है कि आप किस वकील के पास जाएंगे, वो आपका अधिकार है। अब जाइए। गुड बाय। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, तुम उसे भूल जाओ। वो एक श्राप है। सुनने में ये अच्छा है, पर कानून उसे हत्या का औजार नहीं मानता है। अगर जहर दिया गया है तो उसकी कोई जांच भी नहीं हुई है, और नहीं पोस्टमार्टम। ठीक है, तो आप किस पर इल्जाम लगाएंगे? मिस्टर सुमिश्की, अगर आप कामयाब भी हो गए तो तुम्हें उससे क्या मिलेगा? जायदाद में वैसे भी तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा। कैटरीना फिडरोना ने अपनी वसीयत नहीं बदली थी, और मैं सिर्फ तुम्हारी बातों को लेकर केस फाइल नहीं कर सकता। अगर तुम सच में चाहते हो तो कोई भी छोटा मोटा वकील तुम्हारे इस केस के लिए कर सकता हूं। मैं केस फाइल करने को नहीं कह रहा हूं, मेरी आंटी की हत्या हुई है, इसलिए मैं तो बस आपसे सलाह लेने आया था। बैठ जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? कैटरीना फ्योदोरोना इतनी बूढ़ी भी तो नहीं थी, 3 दिनों में चल बसी। आशा है कि विक्टर जरूर उसकी मदद करेगा। तो क्या कोई प्रॉब्लम है? उसे लगता है कि कैटरीना फ्योदोरोवा को किसी ने मारा है। ये ठीक नहीं हुआ।
किसने मारा? शायद मुझे पता होता। स्टोलमन को ढूंढना होगा क्योंकि उसने उस लड़के की बात नहीं सुनी। वो आ रहे हैं इधर, है ना? मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं मेरे भाई से। शुम्स्की इवानविच, इंपीरियल गार्ड हुसार रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट जनरल। पित्रो इवानविच। मेरी बेटी एना। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। आखिरी बार जब हम मिले थे तब हम शायद 8 साल के ही थे। तुम बिल्कुल सही हो। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें मैं याद हूँ? तुम्हें पहचान नहीं पाया, फिर भी वो समय मेरे लिए यादगार बनकर हमेशा मेरे साथ रहता है। तो तुमने क्या तय किया है? हम एक केस फाइल करेंगे ताकि तहकीकात शुरू हो जाए और पोस्टमार्टम किया जा सके। ठीक है, तो हम ये समझे कि जीत हमेशा सच की होती है और आगे भी होगी, क्योंकि सवाल तो बस जायदाद में भागीदार होने का है। वैसे ये वसीयत के बारे में नहीं है, माफ करना, मुझे जाना होगा। इस तरफ चलता हूं। ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? अगर भांजे ने सच में कैटरीना फेदोरोवा को जहर दिया है तो उसे उस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। इवान अलेक्सेविच, इवान अलेक्सेविच, मॉम को माफ कर देना, उन्हें तुम्हारी चिंता है। सच में वो बचपन से तुम्हें जानती हैं। मैं समझता हूँ, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ करना, हम सब कैटरीना फ्योदोरोना से प्यार करते थे। हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बचपन में अपने माँ बाप खो दिए। कैटरीना फ्योदोरोना मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, तो उन्होंने ही मेरी बचपन से देखभाल की थी। मैं जो भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ। तुम्हारे इस शक के पीछे कोई खास वजह है क्या इवान? उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका भांजा काला जादू करता है, लेकिन शायद तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं कि यह साबित करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर उन्होंने तुम्हारी बात नहीं टाली। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात नहीं टाली। मुझे लगता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम क्या करने वाली हो? कुछ असाधारण। जब मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगी। आओ, कैटरीना फ्योदोरोवना की आत्मा आओ। आओ, कैटरीना फ्योदोरोवना की आत्मा आओ। आ गई क्या? है क्या यहाँ? आओ, कैटरीना फ्योदोरोवना की आत्मा हो। कैटरीना फ्योदोरोवना, तुम्हारी आत्मा को परेशान करने के लिए हमें माफ करना। हमें बताओ तुम्हें किसने मारा? अरे वो अपने बाल खींचकर गिरा रही है। लेकिन क्यों? शायद वो बात नहीं करना चाहते, या ये कोई संदेश है। एक संदेश कि हम उसके बालों से बाहर आ जाएं, है ना? यही ना? नहीं नहीं नहीं, ऐना ऐना, देखो देखो, तुम इस केस में कितनी दिलचस्पी ले रही हो। क्या ये स्टोलमैन से नफरत की वजह तो नहीं है? स्टोलमैन को इससे क्या? नहीं, मुझे बताइए स्टोलमैन का इससे क्या लेना देना है? मैं बस किसी की मदद कर रही हूँ। ऐसे केस में जिसे स्टोलमैन ने ठुकराया है। अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ वॉक पर यहाँ आए। होटल में मैं सच में बहुत बोर हो रही थी।
मुझे तुमने ही कहा था कि तुम्हें खुली हवा में घूमना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ ले आया। वैसे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी शांति मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तुमने खबर सुनी? रजुमा उसकी अब इस अंग्रेजी लड़की का वार्डन है। एलिस? हाँ, वो उसके साथ ही रहेगा। वो ऐसा क्यों कर रही है? खुद की भलाई के लिए। अगर वो हॉस्पिटल में रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। क्यों? उसका खुद का एक रूम होगा और वो उसके लिए नर्स रखेंगे, मेल्स उसे देखने आएंगे। क्या वो सच का राजकुमार है? देखो, तुम चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन उसे उस लड़की पर बहुत दया आई है। पर तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या वो क्लिनिक में अच्छी रहेगी? कम से कम वो डॉक्टर की निगरानी में तो रहेगी ना, और ये जरूरी है। तुम्हें उसकी किस्मत में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम सही हो, हमेशा की तरह तुम इस बार भी सही हो। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम भी खुश हो ना? हाँ, बहुत। यहाँ आके अच्छा लग रहा है। मैं अभी शुरू करता हूँ मैडम। आओ ऐना, माइकल से मिलो। ये एक बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर हैं। ये मेरी बेटी ऐना है। हेलो। ओह, आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैडम, क्या मैं शुरू करूँ? माइकल बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत से क्लाइंट हैं और समय इतना नहीं है। फिर भी वो तुम्हारे बाल काटने के लिए राजी हो गए। अब तुम अपने बाल कटवा सकती हो। नहीं नहीं, उसे अपना समय बस आपको ही देने दीजिए। ऐसा क्यों? आपके बाल तो बहुत ही लाजवाब है मैडम, पर मैं इन्हें और भी सुंदर बना सकता हूँ। एक्सक्यूज मी ज़ारा, मिस, ये खत आपके लिए आया है रजुमोस्की की ओर से। राजकुमार, क्या लिखा है? एलिस उसके घर में रहने आ रही है और वो राजकुमार के साथ ही रहेगी। वो लड़की जो दिमागी तौर पर बीमार है, देखिए तो सही, अब उसके पास एक घर होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे अभी उससे मिलना है, मुझे माफ कीजिएगा। कभी कभी ये राजकुमार भी बहुत अजीब बर्ताव करता है। हाँ, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। क्या हम शुरू कर सकते हैं माइकल? औ, माफ करना मैडम, जरूर शुरू करते हैं। आइए। ये कैसी आवाज थी? वो लड़की हमेशा चीखती रहती है। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? मैं एना मिनरोवा, एलिस की दोस्त। सहेली? राजकुमारी ने अनुमति दी है मिस मिरोनोवा को एलिस से मिलने की। वो नहाने से मना कर रही है। मैं कोशिश करूं? हाँ जरूर। एलिस सुनो, तुम्हें अपना गाउन निकाल के नहाना होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गाउन को रहने दो। देखो गर्म पानी है यहाँ, देखो ना। आप हमें अकेला छोड़ देंगी? White fresh roses in the garden, canines barking in the night, stars reflecting all the heaven, looking forward, no fight, moving through, moving through, chase the way and lead it to. नए घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं अभी भी उनकी मरने की वजह पता नहीं कर पाया हूँ। जांच करके
लग तो नहीं रहा है कि उसे कोई जहर दिया गया हो, फिर भी मिस्टर शिमस्की की हत्या की बात को गलत साबित नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और वकील मिरोनोव ने इस बात के लिए कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दिया है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमें इसकी वजह पता नहीं चल पा रही है। क्या आप इसकी और जांच नहीं कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि उनके शरीर के अंग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, किस चीज से मुझे नहीं पता। शांत हो जाइए डॉक्टर, हम लोगों के साथ प्रैक्टिस करते समय अक्सर ऐसा हो जाता है। ये सिर्फ आपकी ही प्रैक्टिस में नहीं, हमारी प्रैक्टिस में भी होता है। हमारे पास एक मिलता जुलता केस आया था। आप कोई मजाक कर रहे हैं? नहीं, ऐसी ही एक लाश। हाँ, नाम सेवलेविच टरेंटिव, वो 3 दिन की बीमारी के बाद मर गया था। और कितने दिन पहले? तकरीबन 1 महीने पहले शायद। याकव, आप उनके बेटे से बात करो, निकिता। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था उनके अचानक बीमार होकर मर जाने की वजह क्या थी। शुक्रिया डॉक्टर। हमें इन दोनों केसेस के कनेक्शंस को ढूंढना होगा। जी हाँ बिल्कुल, कहने के लिए ये आसान है लेकिन 2 मौतें हुई हैं बिल्कुल एक ही ढंग से, इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के काम करना होगा। सबसे पहले फायदा तो वारिस का होता है। अगर ये एक हत्या है तो उसे जहर देकर ही मारा गया है, और कोई तरीका नहीं है। एक ऐसा जहर जो डॉक्टर मिल्स नहीं पहचान पाए। ठीक है एंटोन, मैं पहले डॉक्टर क्रोनोसोफ के पास जाऊंगा और उसके बाद मैं ऑफिस में आऊंगा। तुम एक काम करो, तुम पहले मिस्टर टेरेंटिव के पास जाओ। ठीक है, मैं जाकर पता लगा लेता हूँ। वहीं रुकिए, सर बिजी हैं। यही रुकिए, मालिक बिजी हैं। ठीक है, लेकिन एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मैं यहाँ काम करती हूँ, एक नौकरानी हूँ। तब तो आपको ये पता होगा कि वो पुराने जो मालिक थे वो मरे क्यों थे। क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बेहूदगी की भी सीमा होती है। वो कौन है जो तुम्हारे मालिक से मिलने आई है? एक चुड़ैल है। निकल जा, इसी वक्त निकल जा। छेड़ डराने की कोशिश करती है तेरी तो। मैं एक पुलिस वाला हूँ, कोरोबेनिकोव एंटोन एंड्रोविच, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे पुलिस वालों से कोई बात नहीं करनी, ये मेरी मर्जी है। मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूँ या फिर उसे बाहर का रास्ता दिखाऊँ। देख क्या रही हो, बाहर भेजो इसे, चले आते हैं। इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये बहुत गुस्से वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आप कल आ जाइए, तब तक ये शांत हो जाएंगे। आप कल आराम से बैठकर इनसे बात कीजिएगा, लेकिन प्लीज अभी चले जाइए। देखिए, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं उन लोगों की लिस्ट बना लेता हूँ जो लोग इस घर में सेविले नोमोविच की मौत से 2 महीने पहले आए हैं। लेकिन किस लिए? ताकि मुझे यहाँ पर दोबारा कभी आना ना पड़े, इसलिए। अरे सर नहीं, प्लीज रुकिए, मैं कल तक ये काम ठीक से कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जरूर। उस लड़की का नाम क्या था? उस चुड़ैल का? लेफ्लू, मैडम फ्लू। थू, लेफ्लू। मुझे तुम्हारे सवालों की वजह समझ में नहीं आ रही। वजह तो आपके सामने बिल्कुल साफ है। क्या आपकी आंटी आपको उनकी वसीयत से हटाने वाली थी? ये तुम्हें शुम्सकी ने बताई होगी। वो क्या है, कभी कभी आंटी मुझसे नाराज हो जाती थी, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज अगर वो जिंदा होती तो बात ही कुछ और होती। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिर शम्सकी यहाँ पर क्यों आया था? दरअसल वो, मैं जुए में काफी रकम हार गया था, तो फिर आंटी ने शुम्सकी को खत लिखा कि उसकी मौत के बाद वो आकर उनकी सारी जायदाद ले ले, फिर वो भागते हुए आ गया। पर उससे जायदाद के बारे में कुछ नहीं कहा और अपनी वसीयत भी नहीं बनाई। इसका मतलब कि आप वारिस हैं? जाहिर सी बात है, क्योंकि शुम्सकी और उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, आंटी ने उसे गोद नहीं लिया था। तो अब आपको किस चीज की चिंता है? आपके इन्वेस्टिगेशन की, आप ही बताइए। ये कौन पसंद करेगा कि कोई उस पर अपनी ही आंटी के कत्ल का इल्जाम लगाए, जबकि वो खुद। क्या मतलब? आप खुद ही खुद सोचिए कि अगर वो मुझे दोषी ठहरा देगा तो फिर मैं वसीयत से निकाला जाऊंगा
उसके बाद शुम्सकी को सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बेकसूर हैं तो चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। जरा रुकिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मालकिन मिस्टर टेरेंटीव्स को जानती थी या नहीं? मुझे नहीं लगता सर। तो उनमें से क्या कोई आपके घर पर कभी आया था? जरा याद करके बताइए प्लीज। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए भी होता है तो हम उनसे नहीं लेते हैं। क्या तुम अपनी मालकिन के लिए अलग से खाना बनाते थे? हमारी मालकिन बहुत अच्छी थी, उनको हमारे साधारण खाने से कोई एतराज नहीं था। आपका बावर्ची कौन है? पिछले 10 सालों से मेरी बीवी खाना बना रही है। वैसे आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर? ऐसे ही मैंने पूछ लिया। उनके जान पहचान वालों की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उन सभी लोगों की जो पिछले 2 साल से उनके साथ रह रहे थे या फिर रहने के लिए आए थे, फिर चाहे वो नौकर हो या कोई बड़ा आदमी हो, मुझे सबके नाम जानने हैं। क्या तुम बताओगे? हाँ। बढ़िया, कल मेरे पास ले आना। जैसा आप कहिए सर। हाँ, एक चीज और, क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें कभी बताया था कि शम्सकी यहाँ पर क्यों आई थी? वो हमसे अच्छे से बात करती थी सर, पर वो ये सब चीज नहीं बताती थी। ठीक है तो मैं चलता हूँ। क्या मतलब कि तुम उससे बात नहीं कर पाए? उसे कल यहां पर लेकर आओ, अगर वो मना करे तो किसी पुलिस ऑफिसर को अपने साथ ले जाना। मैं जब टेरेंटिव के घर गया था तब वहां मैडम ले फ्लियो आई हुई थी, लेकिन उसकी बातचीत शांतिपूर्व तरीके से नहीं हुई। एंटोन, क्या हुआ मुझे बताओ। वो लड़ रहे थे और मैंने खुद उनका झगड़ा सुना है। मुझे डर है कि तुम्हारी हालत भी तुम्हारे पिता की तरह ना हो जाए। सुन के तुम्हें सुन हो गया था सच में। ये मैडम ली फ्लू आखिर है कौन? हाँ, ये देखिए। अंतर्यामी अपने अतीत के रहस्यों को खोल दो एंटोन, ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, जाकर बात करो उनसे। अब आप भी मेरे साथ आइए ना, प्लीज आइए। क्या तुम अकेले नहीं जा सकते हो? मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि, पर अगर वो सचमुच कोई, मुझे ये पूछना था कि अगर सचमुच वो कोई चुड़ैल होगी तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस चुड़ैल के पास मुझे खुद जाना होगा। मैं आपके साथ आऊंगा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डर लगता है इसलिए तुम ऑफिस में रहो और काम करो। तुम्हारी ड्यूटी तुम्हें गंदे कपड़ों के लिए मजबूर करती है, यही बात है ना? मिस्टर टेरेंटीव ने मुझे बहुत गहरी चोट दी है, पर अब यह हमारे बीच की बात है। देखिए, आपने जो कुछ भी बताया मैंने उसे बहुत ध्यान से सुना। मुझे इस बात का डर है कि तुम अपने पिता की तरह ना बन जाओ। क्या पुलिस वालों के कान हर जगह होते हैं? तो बाकी का भी आपको पता ही होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमारे रिश्ते को छुपा रहे थे क्योंकि उसके पिता राजी नहीं थे। जब ऊपर वाले ने उस बूढ़े आदमी को बुला लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे उस बात से बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई जब मुझे उसके पास जाना पड़ा। शायद मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना था। माफ कीजिएगा, मुझे अपना मुंह धोना होगा। टेरेंटीव का क्या अपने पिता के साथ अच्छा संबंध था? मुझे कैसे पता होगा, वो बुढ़ा
वो बहुत ही लालची इंसान था। मतलब आपने अपने निजी मामले को लेकर टेरेंटीफ के साथ झगड़ा कर लिया है ना? सही कहा, फिर नहीं तो क्या। ठीक है, शुक्रिया, मैं चलता हूं। रुकिए रुकिए, मैं आपका भविष्य देखती हूँ, मुझे देर हो गई है, मैं कल चली जाऊंगी। नहीं शुक्रिया, मुझे जाना है, मैं बाद में आऊंगा। एक महिला तुम्हारे करीब है और तुम दोनों एक दूसरे से अपनी मन की बात नहीं बता रहे हो। वो तो बहुत खतरे में है। वैसे तुमने मुझे ये बताने को नहीं कहा है। और कैसा खतरा? मुझे लगा तुम इन चीजों को नहीं मानते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हवलदार के साथ पूरे शहर में? कितने बेशरम हो। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, अगली बार से आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को बाहर निकालने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हमारे पास कुछ सबूत हैं जिनसे हमें लगता है कि आपके पिता को जहर दिया गया था। एंटोन आंद्रेविच, लिखना शुरू करो। अपने पिता की मौत को लेकर आपको किसी पे शक है? मेरे पिता एक इज्जतदार आदमी थे, सभी उन्हें चाहते थे। ये बात हमको भी पता है, लेकिन मुद्दा ये है कि आपकी उनसे बनती नहीं थी। लोग ऐसी बातें बोलते रहते हैं, क्या कोई बेटा अपने बाप को जहर दे सकता है? समाज में ऐसा कई बार हो चुका है। आप ये कहना क्या चाहते हैं? मैंने ऐसा नहीं किया। तो किसने किया? मुझे नहीं पता, शायद मैडम ली फ्लू ने या फिर मिस एनेस्टीसिया ने किया होगा, हो सकता है। तो आपको इस बारे में पता है, पर वो ऐसा क्यों करेगी? हमें पता चला है कि वो तुमसे शादी करना चाहते थी, लेकिन तुम्हारे पिता इसके खिलाफ थे। मैं और उससे शादी? वो तुमसे मिलने क्यों आई थी? दरअसल मैंने उसे पैसे देने का वादा किया था, और मैंने उससे अपने पिता के भविष्य की बातें बताने के लिए कहा था। उसने मुझे बताया था कि वो बहुत ही जल्द मरने वाले हैं, तो मैं पागल थोड़ी ही था जो मैं अपनी जायदाद का 1/4 हिस्सा उसे दे देता। ऐसा कैसे हो सकता? तुमने तो वादा किया था। हमें सच बताओ, क्या तुमने उसकी सिफारिश अपने किसी दोस्त से की थी, किसी लड़की से? जैसे कि शम्स की। ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तुम उसे बचपन से जानते थे। क्यों, मैं उसे 1 साल से जानता हूँ, हम एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। जब तक कैटरीना ने उसे मिलिट्री स्कूल में नहीं भेजा, पिछले साल हम सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे। तो अब इस बात से इनकार मत करना कि तुम मिस्टर क्रूनोसोफ को भी नहीं जानते हो। मैं उसे जानता हूँ, पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी उससे कभी बात नहीं हुई है। लेकिन क्यों? अब तुम जा सकते हो, पर याद रखना कि शहर छोड़कर मत जाना, वरना हमें जबरदस्ती तुम्हें यहां उठाकर लाना पड़ेगा। समझ गए? एक में क्या मैं इसे धमकी समझूं? तुम जा सकते हो। बेला शॉव, अलविदा। ऐसा लगता है कि इसे पूछताछ करके हमें कुछ खास नहीं मिला है। मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम ये बात तो साफ हो गई कि इन दोनों मौतों के पीछे कुछ कनेक्शन जरूर है। आपको लगता है ऐसा? हमें शम्सकी से पूछताछ करनी पड़ेगी, जाकर ढूंढो उसे और यहां पर लेकर आओ। ठीक है सर। अच्छा रुको, अभी नहीं, ये बताओ तुमने टेरेंटीव के नौकरों से क्या वो लिस्ट मंगवा ली है? जी हाँ सर। बहुत बढ़िया एंटोन, मैंने भी इवानोवा से एक लिस्ट मंगवाई है। दोनों को मिलाया? हाँ मिलाते हैं। इतने सालों के बाद हम इस तरह मिले हैं, मुझे तो ये एक तोहफा जैसा लगता है। इतने बुरे
हालातों के बाद भी। इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? मिस्टर स्टोलमन के साथ हमारी पिछली मीटिंग कुछ अच्छी नहीं रही थी, उसके बाद उनसे मेरी बात नहीं हुई है। क्या बात है, तुम उन्हें जानती हो? हाँ जानती हूँ, उनको मेरे डैड से कुछ काम हुआ करता था। हाँ हाँ, माफ करना पर मेरे हिसाब से वो एक मुर्दा पुलिस वाला है। मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती। तुम्हें किसी पे शक है क्या? कुरुनोसो पर, तुम्हारे और मेरे बीच में कैटरीना फ्योदोरोवना अपनी वसीयत बदलने वाली थी, उनकी जायदाद मुझे मिलने वाली थी। ये बात कुरुनोसो को पता चल गई होगी। तुमने स्टोलमन को बताया? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या पता ये डिटेक्टिव इस बात को कहां घुमा दे। मैंने एक अजीब सा सपना देखा था, शायद मैं मदद कर सकती हूँ। क्या तुम मेरे लिए कैटरीना फ्योदोरोवना की टोपी या फिर कंघी मुझे लाकर दे सकते हो? हाँ जरूर, पर किस लिए? मुझे कुछ टेस्ट करना है, मैं तुम्हें उसके बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है? तुम्हें किसी पर शक है? पक्का तो मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, मुझे बस उसकी कंघी और उसकी टोपी लाकर दे दो तुम। एना विक्टोरोना, तुम बहुत लाजवाब हो, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मुझे इंग्लिश के क्लास के लिए जाना है, मेरी स्टूडेंट इंतजार कर रही होगी, मुझे माफ कीजिएगा, बाद में मिलते हैं। जल्दी मिलेंगे। पिजेंस टिमोफी और इवान सुचुकिन। जी नहीं। तो क्या फिर फादर अलेक्जेंडर है? नहीं। मैडम लीफ्लू? क्या कहा? वो सोकोल्स्काया के घर भी गई थी? तुम चौंक क्यों रहे हो? एक बूढ़ी औरत का भविष्य बताने वाली को अपने घर बुलाना बड़ी आम बात है। इसके बाद किसका नाम है? शम्स्की का। इसमें भी है वो टेरेंटिव्स के पास क्या कर रहा था? हम उससे पूछेंगे। मिशेल हेयर ड्रेसर। हाँ, ये सच में एक छोटा सा शहर है और एक कनेक्शन भी है। इसे कुछ साबित नहीं होता है एंटोन, उसके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। एंटोन, मैं काम करता हूँ, मैं मिल के आता हूँ। हेलो। हेलो, आई एम याकोव स्टोलमैन, पुलिस डिटेक्टिव ऑफिसर। ओह, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम यहाँ कितने समय से रह रहे हो? अपनी जवानी से, वैसे हाल ही में इस शहर में आया हूं। और बड़ी कमाल की बात है कि इतनी जल्दी तुम्हारे इतने सारे क्लाइंट्स बन गए। अब आधा शहर मेरे पास आया और बाकी के पास तुम चले जाते हो, है ना? ऐसा कह सकते हैं। क्या तुम मिसेस इवानोवा सोकोल्स्की के पास कभी गए थे? वो मेरी क्लाइंट थी। और मिस्टर टेरेंटीव की भी? सही कहा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? हाल ही में दो लोगों की मौत हुई है और वो भी जहर से। आप ये सब क्या कह रहे हैं मिस्टर? मेरे सारे प्रोडक्ट्स टेस्टेड हैं, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और सभी जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं। वैसे मिस निजिन काया के साथ मेरा अभी कुछ समय बाद अपॉइंटमेंट है। और वो कब से तुम्हारी क्लाइंट है? आज उसका पहला अपॉइंटमेंट है, मैं उसके होटल के कमरे में जा रहा हूँ। वैसे वो मेजेस्टी की मेड ऑफ ऑनर है, ये बात तो आप जानते होंगे। अच्छा, वाकई? हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए। वाकई बहुत अच्छा मौका है। माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, गुड लक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यवग्रेशन, कहिए याकोव प्लातोनोविच।
मेरी बात सुनो, अंदर जो मिशेल है वो थोड़ी देर में निकलेगा, उसे रोक के रखो। हाँ, उसे कहीं जाने मत देना। हाँ, लेकिन उसने किया क्या है, कोई खास वजह? उसको कहना कि पुलिस को उस पे शक है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, और बाद में उससे कहना कि तुमसे गलती हो गई और उसे छोड़ देना, काम हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। मैंने किया क्या? चलो अंदर, सीधे सीधे अंदर चलो, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। चलो चुपचाप। हाँ, मैं चल रहा हूँ। आप यहाँ पर? अच्छा हुआ आप मिल गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अभी इसी वक्त। एक्सक्यूज मी, बोलिए क्या बात है? क्या तुम मिसेस पोटोस्किया को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता वो कौन है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि तुम और मिस्टर टेरेंटी बहुत पुराने दोस्त हो, सही है ना? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो दोस्त है, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। मैं हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में उससे मिला था, और फिर साथ में जटोंग्स में एक कप चाय पी थी बस। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम पर भी शक है हमें। मुझ पर? ये क्या बकवास है? मिस्टर कुर्नोशो पे शक करने से ज्यादा बकवास नहीं है। फिर मिलते हैं। याकोब प्लेटोनोविच, याको तुम्हारी इनसे मुलाकात तो हो चुकी है। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप साइट सीइंग करने चलेंगे क्या? साइट सीइंग मतलब? साइट सीइंग? ओह हाँ, जरूर, ये शहर बहुत खूबसूरत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, आओ बैठो ना। नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आया था। हाँ तो अब मैं ये चाहता हूं कि हम यहां से कहीं और चलें। चीयर्स। गुड बाय। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। ऐसा लगा कि एक बहुत बुरा समय था। क्यों? तुम्हें हमारे साथ बैठना चाहिए था। मिस्टर ब्राउन बहुत मजाकिया हैं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ओहो, क्या तुम्हें जलन हुई? मैंने पहली बार उसे इस शहर में देखा है। सही कहा, वो मेरे साथ यहाँ डेट पर आए थे। वो उस घर में कैदी थोड़ी ना है, इसलिए मेरे साथ आ गए। हाँ वो भी ठीक है। तुम्हें जलन हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने उस हेयर ड्रेसर से बाल कटवाना बंद कर दो, उस माइकल से। माइकल? क्यों? क्योंकि उसके कुछ क्लाइंट्स की अभी हाल फिलहाल में ही हत्या हो गई है। एक हत्यारा हेयर ड्रेसर, कितना दिलचस्प है ये। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
लेफ्टिनेंट आप यहाँ पर? क्या बात है डिटेक्टिव, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? काफी अच्छे फूल हैं। एना विक्टोरोना, मुझे आपके साथ बात करनी है। हाँ जरूर। हेलो, तुम डैड से मिलने आए हो? नहीं, तुम्हारी माँ से। वो बस आती ही होंगी। थोड़ी देर के लिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। एक्सक्यूज अस। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मिरोनोव का परिवार शम्सकी की किस्मत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और मुझे उस आदमी पर बहुत पहले से शक है। तुम्हें होगा शायद, मिरोनोव के परिवार की सोच तुमसे नहीं मिलती है। देखो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ ना कि तुम्हें होशियार रहना चाहिए, थोड़ा संभल कर काम करो। तुम्हारे इस सलाह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मुझे जाना है। एना, एक मिनट। आज मैं एक भविष्य बताने वाले के पास गया था और तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि उसने कहा कि तुम शायद खतरे में हो। उसने तुम्हारा भविष्य पढ़ा और तुमने पढ़ने दिया? नहीं एना, उसने ये कहा कि तुम खतरे में हो। उसने मेरा नाम लिया था? नहीं, उसने बस मुझसे ये कहा कि मेरा कोई बहुत करीबी खतरे में। तो ये मेरे बारे में नहीं होगा। एक्सक्यूज प्लीज। ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। हेलो, कैसे हैं आप? आओ याकूब, काफी दिनों के बाद आए हो, कुछ पीना चाहोगे? विस्की? है नहीं शुक्रिया। मिस्टर शम्सकी यहाँ अक्सर आते हैं क्या? वैसे बड़ा फुर्तीला नौजवान है ये। धीरे से बोलो, दो दिन में ये तीसरी बार है। तुमने जो कहा वो तो अब तक मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ और ही किया है। मैं कुछ लेकर आया हूँ, देखो ये लो, ये कैटरीना फ्योदोरोना की कंघी है। ये तुम्हें कैसे मिला? मैं एक सैनिक हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो और बताओ क्या चल रहा है? भविष्यवाणी पर आप विश्वास करते हैं? मेरा मतलब है कार्ड से जो भविष्य बताया जाता है उस पर। मैं करता हूँ, मैंने देखा है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज पे भरोसा नहीं है। मुझे ये बताओ याकोब प्लेटोनविच, क्या तुम विश्वास करते हो स्टैटिस्टिक्स में? जरूर, स्टैटिस्टिक्स का मतलब फैक्ट्स और फिगर्स। बिल्कुल सही कहा। तो एक फैक्ट तुम्हारे लिए ये भी है कि तुम्हारी एना मदद करना चाहती है, और ये बात पहली बार नहीं हुई है, लेकिन तुम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हो क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ। वो लोग जिनके पास ऐसी शक्ति होती है उनके लिए भी ये सेम है, कोई उन पर विश्वास करता ही नहीं, लेकिन सबसे मजे की बात कि वो सच हो जाता है। याकूब प्लेटोनविच, आप तो यहाँ आते ही नहीं हैं। मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त था। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जरूर। आपको तो पता ही होगा कि शहर में एक नया हेयरड्रेसर आया है। सिर्फ सुना नहीं है उसके बारे में, मैंने एक बार उसे बुलाया भी था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इन चीजों में दिलचस्पी है। दिलचस्पी तो नहीं, लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है कि उसे दोबारा मत बुलाइएगा, उसके कुछ क्लाइंट्स की हत्या हो गई है। क्या तुम्हें उस पर शक है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ सबूत मिले हैं जिनके आधार पर मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप उससे ना मिलें तो बेहतर होगा। उसे लेकर हमारी जांच अभी भी चल रही है। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। श्राप है मेरे लिए, शैतान, शैतान। आराम से संभल कर। शैतान है। इसे क्या हुआ? वही हुआ जो इवानोवा सोकोल्स्काया को हुआ था, इसलिए मैं चाहता था कि तुम आओ। क्या आप इसे होश में ला सकते हैं? मैं मॉर्फिन से कोशिश करता हूँ।
निकिता सेवलेविच, निकिता सेवलेविच। हम अब कुछ नहीं कर सकते। याकोब प्लाटोनविच, क्या तुम्हें जहर दिया गया था? किसने दिया? क्या पोटोन्स्काया ने? और क्या तुम्हारे पिता को भी दिया था? ये उसी की तरकीब थी, मुझे पता चल गया। क्या तुमने शम्सकी को इस बारे में कुछ बताया था? शैतान, शैतान, शैतान। ये मर चुका है।